परिवहन निगम उत्तर प्रदेश सरकार का सफेद हाथी साबित हो रहा है। परिवहन निगम के बेड़े में जहां एक और बसों की भारी कमी है, तो वहीं लंबी दूरी तक स्लीपर बसों का अब तक ना होना सीधे तौर पर निजी बस संचालकों को लाभ पहुंचाने जैसा है, जिस पर काम करने के लिए एमडी परिवहन निगम अब तक सफल नहीं हो सके है। निगम के नुकसान को मुनाफे में बदलने की ओर निगम एमडी सिर्फ चिंतन ही करते नजर आ रहे हैं, और जब इनसे मिलने की बात की जाए तो ये मीडिया से दूरी बनाते हैं। किराया ज़्यादा, सुविधाएं कम, यह है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार जो बसों का बेड़ा है वो उसका पुरसा हाल जानने वाला कोई नहीं है। भले ही परिवहन निगम में लगातार करोड़ों रुपए का बजट आता हो, लेकिन यात्री सुविधाओं की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी भी अछूती है। कैबिनेट में जो फैसले होते हैं उसमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि परिवहन विभाग में लगातार बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वास्तविक हालात क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या हालात है, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में कि सुविधाएं के नाम पर जीरो है परिवहन निगम और किराए के नाम पर नंबर एक है। यानी साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि किराया ज़्यादा और सुविधाएँ कम, ये है उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ। किराया ज़्यादा, सुविधाएं कम, ये है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। जब इनके डायरेक्टर से बात की जाती है तो ये नदारद होते हैं, ऑफिस में मिलते नहीं हैं, लेकिन आम जनता का इसमें क्या दोष है जो परिवहन निगम की सेवाओं का यूज कर रहे हैं। जो लोग दूर दराज से आते हैं, किसी को इलाज कराना होता है, किसी को अपने घर जाना होता है, वो सिर्फ वेटिंग में लगे रहते हैं और परिवहन निगम में इतना यानी किराया जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ये पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। हम नहीं कह रहे कहाँ से आए हैं, हम उतरौला बलरामपुर जिला बलरामपुर से आए हैं। हम 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, हमको साधन कोई नहीं मिल रहा है। क्यों, आपने टिकट लिया है, बसें यहाँ पे अवेलेबल हैं? बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। क्या बता रहे जो अधिकारी लोग हैं? आप पूछने जाओ तो कुछ सही जवाब हमको मिलता ही नहीं उनसे। हम बच्चों के लेके 4 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पैसेंजर को बहुत असुविधा हो रही है, जब भी जाइए इंक्वायरी पे तो बोल रहे हैं इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, कुछ मतलब सही से जवाब नहीं दे रही। और किराया जिस तरह से आप लोगों को लिया जा रहा है, उसके बाद में क्या वो सुविधाएं मूलभूत मिल पा रही? कुछ नहीं, सुविधा कुछ ही नहीं, फैसिलिटी कुछ ही नहीं, साफ ना सफाई कुछ नहीं है, ना पानी का बाथरूम जाइए और पैसा मांगते हैं वहाँ पे, बस स्टॉप के अंदर जाइए वहाँ पैसा देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को मिलता है, जिसमें RM साहब की अगर बात करें, ARM साहब की कोई बात नहीं, लेकिन RM साहब की अगर बात करें तो वो पुंडीर साहब हैं, वो कई बार यहाँ पर उनसे जब मिलने की बात कही जाती है तो वो मिलते भी नहीं हैं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।